देश की पहली महिला प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि और लौह पुरुष सरदार पटेल की जयंती पर हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा सोलन जिला के परवाणु में राज्य स्तरीय श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जहां एक ओर इंदिरा गांधी और लौह पुरुष सरदार पटेल के छाया चित्रों पर फूल अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गयी, वही चुनावों में खराब प्रदर्शन को लेकर भी चिंतन किया गया। देश की पहली महिला प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि और लौह पुरुष सरदार पटेल की जयंती पर हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा सोलन जिला के परवाणु में राज्य स्तरीय श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां एक और इंदिरा गांधी और लौह पुरुष सरदार पटेल के छाया चित्रों पर फूल अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी, वहीं चुनावों में खराब प्रदर्शन को लेकर चिंतन भी किया। इस मौके पर कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने जहां कांग्रेस संगठन की खामियों को गिनवाया, वहीं भाजपा को भी आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि भाजपा मंत्री महेंद्र सिंह मनमानी कर रहे हैं और चुनावों में उन्होंने युवाओं से गलत वायदे किए जो कांग्रेस कतई बर्दाश्त नहीं करेगी और उन्हें छठी का दूध याद दिलाएगी। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र और हरियाणा में कांग्रेस का प्रदर्शन बेहद सराहनीय रहा है, जिसको देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि भारत की जनता अब बदलाव का मूड बना रही है और भाजपा की कथनी और करनी का फर्क जान चुकी है। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में वे कांग्रेस को मजबूत करने के उद्देश्य से कई बदलाव करने जा रहे हैं और जो संगठन में थकान महसूस कर रहे हैं वे कृपया आराम करें, उनकी संगठन को जरूरत नहीं है। संगठन में वही कार्यकर्ता पदाधिकारी होगा जो संगठन को समय दे पाएगा और उसके लिए कार्य करेगा। इस मौके पर हिमाचल कांग्रेस सह प्रभारी गुरकीरत कोटली, नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री, कांग्रेस वरिष्ठ नेता व विधायक रामलाल ठाकुर, सोलन जिला अध्यक्ष शिव कुमार, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष सरदार सिंह ठाकुर, कंडाघाट ब्लॉक अध्यक्ष संजीव ठाकुर, सोलन अन्य वरिष्ठ नेताओं और कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित रहे। देखिए, मैंने अपनी तकरीर में भी अभी कहा है कि अब संगठन को हम अलग ढंग से चलाना चाहते हैं। मैंने यहाँ भी कहा कि जो लोग संगठन में समय नहीं दे सकते, जो लोग थकान महसूस करें, वो कृपा करके आराम करें, क्योंकि आने वाला समय संघर्ष का और हम सब मिलकर संघर्ष करेंगे और हम संघर्ष करेंगे तो पार्टी की जो है हिमाचल में फिर से पुनर्स्थापना हो। पर ये सरकार कर रही है, अपने लोगों को भर्ती करें, एक विशेष बिल्कुल कैसे भर्ती करें? बिल्कुल, आपका बहुत अच्छा प्रश्न है। मैं स्पष्ट तौर पे उस मंत्री का भी नाम लेता हूँ, वो महेंद्र सिंह है, क्योंकि उनकी आदतें बिगड़ी हुई है। वो पिछली बार भी जब मंत्री थे उस वक्त ही उन्होंने किया था, लेकिन अभी भी उनका जो है पछाड़ में जो उनका रोल था वो बिल्कुल ठीक नहीं रहा और अब हमारे पास समय, हम उनको छठी का दूध याद कराने वाले। जो आप राष्ट्र के परिवेश में देखें, आज हालात बदल रहे हैं, एक परिवर्तन की लहर चल रही है। आपने अभी देखा होगा कि हरियाणा में कांग्रेस पार्टी ने का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा, महाराष्ट्र में भी रहा। मोदी साहब का जो ग्राफ है, केंद्र सरकार का जो ग्राफ है, वो दिन प्रतिदिन जो है गिरता जा रहा है और आने वाले समय में आप देखेंगे कि कांग्रेस पार्टी जो है देश में और प्रदेश में बहुत मजबूत होकर उभरेगी। तो यही था आज दिन भर का कार्यक्रम, कल फिर हाजिर होंगे नई गतिविधियों के साथ। आप ऐसे ही जुड़े रहिए एच टुडे के साथ। नमस्कार।